करहल कार्यक्रम में भरे मंच से पूर्व मंत्री लाखन सिंह और मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर को कांग्रेस नेता रविंद्र पाठक ने सुनाई खरी खोटी। खबर करहल से है, जहां शुक्रवार को करहल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम चल रहा था। जैसे ही मंच पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पुराने कांग्रेसी रविंद्र पाठक बोलना शुरू हुए तो सब देखते ही रह गए। हुआ ये कि कांग्रेस नेता ने अपनी ही पार्टी के एक पूर्व मंत्री और एक वर्तमान विधायक उनके पद की हनक का घमंड सभी के सामने उदाहरण सहित जाहिर कर दिया। पाठक बोले कि कांग्रेस में नेता सफल होने के बाद कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं, उन्हें कार्यकर्ता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं रहता। हालांकि ये बात रविंद्र पाठक के मुंह से निकलने वाली ये शब्द उन हजारों कार्यकर्ताओं का दर्द था जो इस तरह की पीड़ा को हर पार्टी में सहते हैं। जैसे ही पाठक बोलना शुरू हुए तो बस फिर रुके ही नहीं और बड़ी ही शालीनता से उन्होंने भरे मंच पर उन दो बड़े नेताओं को असली आईना दिखा दिया। इन असली संवाद को सुन मंच पर बैठे सभी नेताओं ने इस बात को स्वीकारा और पाठक के अभिवादन में तालियां बजाई। देखिए संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो मेरे घर में पंजे का झंडा लहरा तो पाया और आज पचहत्तर वर्ष की उम्र तक निस्वार्थ कोई माई के बाद जैसे तकर्रे के पार्टी के साथ लगा दिया। आपकी कुर्बानियों में भी रही हूं, आज तक कौन से करे। अब मैं एक जो मेरा विभिन्न काम करता, मैं आपको मतलब सुझाव देना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि सूरज को एक दीपक दिखाना है। क्षेत्र में जो पोलिंग संभालते हैं, जो पोलिंग बूथ हम वो चार चार पांच पांच पोलिंग बूथ संभालते हैं, आपको उन लोगों का उनकी जानकारी होना चाहिए। आज मेरे अनुसार आज की जो राजनीति है वो मैंने जो नाम दिए शायद मुझे गलत हूँ, गलत हूँ तो आप मुझे क्षमा मत कर देना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पेपर और पेपर ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। आपको अच्छा लगा तो ठीक है और नहीं है वो अपने जल का डीजल पेट्रोल देना था और कांग्रेस के लिए अपने नेता के लिए रात दिन खुले करता है। आप उन्हें जानते हैं, आपको ये आवश्यक है, ये मेरा सुझाव है कि आप अपने सूत्रों से कौन बैठा है, कौन पार्टी के प्रति समर्पित हो। पेपर का जमाना है, उसमें चाहते हैं क्षेत्र की समस्याओं से जनता से सुधरता से किसी का कोई मतलब नहीं होता और पेपर को समझे घुस जाते हैं, वो हर पार्टी में सबको साथ लेते हैं, अपना उल्लू मंडल सीधा करते हैं। आपसे बोलते हैं मेरा निवेदन है आपसे ताकि कांग्रेस का संगठन मजबूत हो आने वाले समय में और ऐसे कार्यकर्ता पाओगी ये जातिवाद के जहर में क्षेत्रवाद के जहर से अलग है। मैं चुपी बैठी सुपर हफ्ते का शिष्य हूँ, मेरे पास कोई जाति बंधन नहीं। हमारा जो मित्र मंडल है एक महीना नहीं रहता चाहे शासन सत्ता हो, कोई गारंटी नहीं उनकी सेवा मदद करता हूँ। एक मुझे कुछ थोड़ा सा कष्ट भी है और अगर बोला मैं तो मुझे क्षमा करना। हम रिश्तेदारों की शादियों में नहीं जा पाते, हम क्षेत्र में कहीं शादी है तो उसको अटेंड करते इसलिए करते हैं कि हमारे नेता का नुकसान नहीं, हमारे घर के काम छोड़ते हैं और जब हम हमारे नेता सफल होते हैं तो हमारे मित्रमंडल हमारे रिश्तेदार हमें ये मतलब समझते हैं कि हम बहुत बड़े किस मार्का हो गए। अब जब उनकी कोई काम उनकी कोई खबर उनकी कोई सूचना आती है तब हम कहां जाएंगे, ये जरूरी नहीं आप किसके विचार में थे आपके, हम तो हमारे पास सभी नेता है, हम आपसे कहेंगे तो हमें आप समय है। मैं माननीय श्री लाखन सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा, ठीक है बर्बाद बड़ा है, छोटी मोटी बात होती है और ये थोड़ी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को पीड़ा भी है और समय पर समाधान नहीं तो वो बीमारी कैंसर का रूप ले लेती है। मेरा निवेदन ये था कि करार में डकैती हुई थी, हमारे माननीय जी प्रभारी मंत्री थे तो रामकुमार सिंह का चुनाव आ गए थे, हमने प्रताप सिंह तो हमारे बड़ा प्रत्यक्ष है, भाई भाई साहब को फोन करो बताया गया भाई साहब ऐसी ऐसी मतलब घटना मतलब घट गई है तो मैं क्या करूं, मतलब विधायक से बात करो भाई साहब विधायक सीताराम आपको मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं सच्चा सिपाही हूं इसलिए कह रहा हूं आप प्यार दें सजा दे दें कुछ भी कर दें मैं तैयार, क्योंकि 69 साल की उम्र हो गई कभी गद्दारी नहीं की कोई माई के नाम से लेकर के बता रहा तो सीताराम से बात करें प्रताप सिंह जी ने कहा करो तो भाजपा के तो मैं क्या करूं।
मैंने कहा आपसे बोलो, मैं प्रताप सिंह बोल रहा हूँ, मैं प्रताप सिंह ब्लॉक अध्यक्ष बोल रहा हूँ, मैं क्या करूँ, हमें मेरी ठेस लगी साहब, हम आपको बुरा लगता हो तो बिल्कुल जो भी करेगा सजा किसके पास जाएंगे। बड़े भाई का सम्मान कैसे मुझे पता है, व्यक्ति का सम्मान बहुत अच्छे हैं। भाई साहब गोविंद सिंह जी थे हमारे वो भाटिया वाले राष्ट्रीय नेता, आप 100 मीटर खड़े रहे भाई साहब, हमें बड़ा दर्द होता है, आप नहीं कर पाए तो बाजे बाजे बजे हमारे आओ सबके, आप तो नेता है आप कब तक रहेंगे, अब तो हम कतार पे हैं, तमन्ना भी नहीं है, आप नहीं आने जा रहे हैं, आप कैसे बात करते हो, अगर हमें तो घोड़ों पर नहीं जा रहे हैं, ये मेरा निवेदन है आपसे, और उस पर विचार करें। किसी को भी हृदय को पीड़ा पहुंचाने का मतलब नहीं है, अगर बोला ना हो तो मैं आप सबके लोगों के कर आप आपके कर।